हेलो गाइस, क्या हालचाल है गाइस। कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था क्योंकि मुझे बुखार है। तो गाइस, ऑलरेडी देखते देखते रेडमी की एक स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होने वाला है, जो है रेडमी 13 सीरीज की स्मार्टफोन। तो ये जो 13 सीरीज है गाइस, इसमें 3 स्मार्टफोन आने वाला है, रेडमी 13, रेडमी 13 प्रो और प्रो प्लस। रेडमी 13 और 13 प्रो की फुल अपडेट गाइस अभी तक नहीं आया है, तो रेडमी 13 प्रो प्लस की फुल अपडेट आ चुका है गाइस। आज की इस वीडियो में ये जो स्मार्टफोन है इसकी फुल रिव्यू करेंगे। आप लास्ट तक जरूर वीडियो को देखते रहे ना, आप बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो ये जो स्मार्टफोन है गाइस, ये ऑलरेडी चाइना पे लॉन्च हो चुका है, इस बार बारी है इंडिया के लॉन्च होने की। तो जल्द से जल्द इंडिया पे लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। तो इंडिया पे आपको कौन सी वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएंगे, कौन सी डिजाइन देखने के लिए मिल जाएंगे, कौन सी डिस्प्ले के साथ देखने के लिए मिल रहा है, तो जरूर वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना। सो गाइस, ये जो स्मार्टफोन है इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की मैं बात कर, काफी हद तक आपको यूनिक सा डिजाइन देखने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं इसकी बैक साइड की जो कवर है, आपको लेदर कवर के साथ देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके साथ गाइस 3 कैमरा सेटअप के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और गाइस, इसके साथ आपको 1 एलईडी फ्लैश लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, जो काफी यूनिक सा डिजाइन, जो काफी हद तक हाई परफॉर्मेंस डिजाइन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो डिजाइन है गाइस, काफी तक सेम आपको 12 की तरह आपको डिजाइन देखने के लिए मिल रहा है। और गाइस, फोन की मैं बात करूं, फोन डिजाइन काफी यूनिक सा है, आपको 3D क्राफ डिस्प्ले के साथ 5 वोल्ट कार्ड आउट देखने के लिए मिल जाएंगे। और गाइस, मिडिल पे आपको एक सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल आपको डिजाइन देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ही यूनिक सा है, बहुत ही मस्त है। तो इसके बाद इसकी जो गाइस डिस्प्ले यूज किया है, 13 प्रो प्लस के अंदर आपको बहुत यूनिक सा डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो स्मार्टफोन है इसकी डिस्प्ले की जो साइज है 6.78 इंच का आपको OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है। ये जो स्मार्टफोन गाइस 1.5 के रेगुलेशन के साथ आएगी इंडिया पे, तो बहुत यूनिक सा कलर वेरिएंट आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ गाइस काफी हद तक हाई स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 120 गार्स की इसकी रिफ्लेक्स रेट के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप बहुत ज्यादा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपको वॉचिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छी आने वाला, क्योंकि इसके अंदर आपको कलर वेरिएंट और ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिल। इसके बाद इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो इस पे आपको मीडियाटेक से आने वाला मीडियाटेक 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो प्रोसेसर बहुत ही फास्ट प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस बहुत ही हाई परफॉर्मेंस गेम आप आसानी से इस फोन के अंदर खेल सकते, और हीटिंग और स्लो वगैरह की आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिल जाएंगे। आप आसानी से कोई भी टास्क वगैरह इस फोन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सो गाइस, ये जो परफॉर्मेंस है बहुत ही हाई परफॉर्मेंस आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके साथ गाइस इसकी रैम और स्टोरेज परफॉर्मेंस की बात कर, रेडमी 13 प्रो प्लस के अंदर आपको 8GB से लेके 18GB तक आपको रैम परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जो है काफी बढ़िया ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। 8GB से लेके 18GB तक आपको रैम ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। और गाइस, स्टोरेज परफॉर्मेंस की बात करूं गाइस, 128GB से लेके आपको 1TB तक स्टोरेज परफॉर्मेंस इंडिया के लिए देखने के लिए मिल जाएंगे। और गाइस, इसके साथ रैम और स्टोरेज डिफरेंस लेते हैं तो आपको प्राइस भी थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइस इसकी कैमरा सेटअप की, तो आपको बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएंगे। जो मेन कैमरा है गाइस, 200 का मेन जो कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो है जो आती है सैमसंग से आने वाला HD सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो है मेन कैमरा से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सेकंड जो कैमरा है 8MP का, जो है अल्ट्रा वाइल्ड एंजल लेंस के साथ आती है। और गाइस, थर्ड जो आपको कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे 2MP का, OBZ लेंस के साथ आती है। बहुत ही तीनों जो कैमरा है बहुत ही हाई परफॉर्मेंस कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग और आप शूट करना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, बहुत ही हाई परफॉर्मेंस पिक्चर क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और गाइस, इसके बाद बात करते हैं इसकी फ्रंट कैमरे की, तो 16MP का एक आपको सेल्फी फ्रंट कैमरा मिडिल पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो फ्रंट कैमरा है आप काफी हद तक हाई परफॉर्मेंस सेल्फी ले सकते हैं और गाइस वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत ही बड़ा बैटरी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। के साथ गाइस 120 वाट की फास्ट चार्जिंग एडप्टर के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस फोन को आप आसानी से फुल चार्ज करा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको 20 वाट की फास्ट चार्जिंग एडप्टर देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट में गाइस बात कर लेते हैं, ये जो स्मार्टफोन है इंडिया पे जब लॉन्च होगी तो इसकी प्राइस देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। रेडमी 13 प्रो प्लस जो इंडिया पे लॉन्च होगी उसके बाद इसके जो प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 30K के आसपास आपको इसकी प्राइस देखने के लिए मिल जाएंगे। और गाइस, रैम और स्टोर की कुछ डिफरेंस लेते हैं तो आपको
और भी ज्यादा प्राइस देखने के लिए मिल जाएंगे, और नहीं तो आपको 30,000 के अंदर आपको ये फोन इंडिया पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइस वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट करना। तो आप ये फोन लेना चाहते हैं और नहीं, और इसके लिए आप वेट करना चाहते हैं और नहीं, जरूर मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। स्मार्टफोन की रिव्यू सबसे पहले देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा एंड बाय।